थोड़ा सा लिखना शुरू किया। फिर मुझे एक मेरी दूसरी पुरानी एजेंट मिली जिन्होंने इतने सालों पहले पारो मुझे बेचने में मदद की थी। शी इज़ ग्रोन ओल्डर, वी आर आउट ऑफ टच, ऐसे हम गोल्फ क्लब में बैठे हैं वरांडा में, और मैंने बताया मैं ऐसी ऐसी किताब लिख रही हूँ, तो उसमें 5-6 कैरेक्टर्स हैं उनकी जीवनी है। तो उन्होंने कहा, नमिता रिमेंबर, नेवर राइट अ बुक विथ सो मेनी कैरेक्टर्स दैट देर इज़ नो मेन कैरेक्टर, बिकॉज नोबडी कैन फिनिश अ बुक अनलेस देर इज वन मेन कैरेक्टर टू कैरी द स्टोरी। तो मैंने कहा ये तो उन्होंने बहुत समझदारी की बात कही है, और मैंने सोचा ज़रूर मैं कोई ना कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई किरदार लाऊंगी। मगर उतनी देर में, उसके बाद अगर आपको लंबी कहानी सुनने का, तो उसके बाद ये बात हुई फरवरी में 2 साल पहले, 3 साल पहले लिन ने कहा, 2 साल पहले ये बात हुई, और फिर वहाँ से मैं निकली कैलिकट, शायद लास्ट ईयर ही हो, नहीं जब भी था, मैं भूल चुकी हूँ, पास्ट इज़ अनदर कंट्री कैसे गए, पर कैलिकट लिट फेस्ट में मैं बैठी हूँ और वहाँ एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो हर साल जयपुर आते हैं और चाहते हैं कि मैं उनको स्टेज में लाऊं, और मैं उनको स्टेज में ला नहीं पाती हूं क्योंकि एक साल मैं उनको 15 मिनट के लिए लाई और मुझे जनता से भी और ऑर्गेनाइजर से सबसे जूते पड़े कि आप इनको क्यों लिया स्टेज में, क्योंकि वो ज़रा बोलने में हिचकिचाते हैं, उनको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है ना, और थोड़े वो खिसके हुए हैं, नाम नहीं ले रही हूं, कोई भी हो सकते हैं। तो वहां बैठे थे और वो बैठे थे और उनके हाथ में किताब थी और वो कहीं गए कोई लेखकों के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाई। रुद्रानी राणा ऐसी नहीं है, पर वहाँ मैंने जो दर्द देखा, जो डुएंडे देखा वहाँ, कि जो लेखक अपनी किताबों में कितना इन्वेस्ट करता है, कितने, सॉरी मेरे माइक में वो छू दे रही हूँ मैं गलती से, तो मुझे अपने आप पे इतनी शर्म आई कि ये मैं इन पे कितनी, हाउ क्रूली आई हैव डेल्ट विद हिम, कि इतना, मतलब जितना वो दर्द, जितना वो अफेक्शन, जितना वो अपनी कविता के लिए, अपनी किताबों के लिए रखते हैं, वो लगे हैं इतने सालों से, और क्या पता वो बहुत बड़े लेखक हों और मैं उनको पहचान ही नहीं पा रही हूँ। तो वहीं कहीं से उन्हीं की तरह जितने लेखक हैं जो, क्योंकि वो प्रमोशन मशीनरी में नहीं हैं या नेटवर्किंग में नहीं हैं, से कितने लेखक हैं जो ऑन द रिवर्स, कितने लेखक हैं जो बिल्कुल लायक नहीं हैं, नालायक हैं, पर क्योंकि उनको नेटवर्किंग आती है, क्योंकि उनको आता है कि अपने आप को इफ़ेक्टिवली कैसे पुश करो, अब तो अपनी किताबें वापस ख़रीद के अपने को बेस्ट सेलर बनाओ, वो भी है इस किताब में। तो मुझे बहुत दर्द हुआ उनके लिए, और वहीं से वो ऑल द लोनली राइटर्स इन द वर्ल्ड, उनकी एक एम्बलम बनी रुद्रानी राणा। रुद्रानी राणा कहाँ से आई, आई कांट से इन टू माई इमेजिनेशन, पर मैंने अब 18 किताबें लिखी हैं, उसमें 10 जो हैं वो फिक्शन हैं। वो 10 किताबों में मुझे ना कैरेक्टर याद है ना प्लॉट याद है, आप मुझसे पूछोगे तो मुझे खुद कुछ भी याद नहीं है, पर मैं रुद्रानी राणा को नहीं भूल पाई हूँ, या रुद्रानी राणा मेरे अंदर समा गई है, या मैं रुद्रानी राणा में समा गई। उसके कुछ विजुअल्स हैं ना, जब वो अपने जो होम स्टे है वहां पे बैठी हैं, शी इज रिमूविंग हर फेशियल, शी इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, या वो फाइनली व्हेन शी गिव्स हिम हर मैन्युस्क्रिप्ट, या जो सबसे आखिरी में जो अनिर्बान ने उस किताब की 5 कॉपी उस कैनवस में रखी हुई है, तो वो बहुत, वो रहता है आपके साथ वो किरदार। तो उसमें हम सब लेखकों का दर्द उसमें कहीं पहुंच चुका है, एंड द जॉय दोनों। तो अच्छा, ऐसे ये तो ये है ये कहानी कैसे लिखी।